हाय फ्रेंड्स, मैं शैली और मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में झटपट भटूरे बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस भटूरे को आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके एक ख़ास इंग्रेडिएंट से आप बाजार जैसे बहुत ही फूले फूले और सॉफ्ट भटूरे घर पर बना सकते हैं। इस भटूरे की रेसिपी को आप घर पर बनाकर जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम भटूरे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए, मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसे आप किसी भी कटोरी या कप के नाप से ले सकते हैं। ये मैंने 1/4 कप सूजी ली है, 1 छोटा चम्मच चीनी, 1/2 छोटा चम्मच नमक, ये 1 बड़ा चम्मच तेल। ये है हमारा खास इंग्रेडिएंट जो हमारे भटूरों को फूला हुआ और सॉफ्ट बनाएगा। ये मैंने लगभग 3/4 कप पीने वाला सोडा वाटर लिया है। इसे आप अपनी ज़रूरत अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और भटूरों को तलने के लिए तेल। अब हम भटूरे बनाने के लिए आटा तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम एक बड़े बाउल में मैदा, सूजी, चीनी, नमक और तेल डालकर इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पीने वाला सोडा मिलाएंगे और सॉफ्ट आटा गूंदकर तैयार करेंगे। हमने पराठे की तरह सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना है। हमने आटा गूंदने के लिए पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें सिर्फ सोडे से ही आटा गूंदना है। हमने आटा गूंदकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि आटा हमारा सॉफ्ट है। अब हम आटे को 1/2 घंटे के लिए ढककर रख देंगे ताकि आटा सेट हो जाए। 30 मिनट हो चुके हैं, आटा भटूरे बनाने के लिए तैयार है। अब हम आटे पर थोड़ा सा तेल लेकर आटे को फिर से एक बार अच्छे से मसल लेंगे और मुलायम करेंगे। अब हम आटे से लोइयां बनाकर तैयार करेंगे और आटे से 1 लोई तोड़कर गोल करके रखेंगे। भटूरे को आप अपनी पसंद अनुसार छोटा या बड़ा बना सकते हैं। आटे से हम एक एक करके सारी लोइयां तोड़कर तैयार करेंगे। आटे से सारी लोइयां बनकर तैयार है। भटूरे बनाने से पहले हम गैस ऑन करके तेल को गर्म करेंगे। जब तक हमारा तेल गर्म होता है हम भटूरे को बेलकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 1 लोई लें और बाकी सारी लोइयों को ढककर रख दें ताकि ये सूखे नहीं। हम लोई पर थोड़ा सा सूखा मैदा लगाएंगे। अब हम इसे बेलन की सहायता से इस तरह से बेलेंगे। भटूरे को हम पूरी से थोड़ा मोटा ही बेलेंगे। भटूरे को आप गोल या ओवल शेप में बेल सकते हैं। भटूरे को हमने बेल लिया है। अब हम देखते हैं कि तेल हमारा गर्म हुआ है या नहीं। इसके लिए हम थोड़ा सा आटा लेकर तेल में डालेंगे। आप देख सकते हैं कि आटा तुरंत सीख कर तेल में तैर कर ऊपर आ गया है। तो हमारा तेल अच्छे से गर्म है। अब हम भटूरे को उठाकर सावधानी से तेल में डाल देंगे और कलछी से इसे हल्का सा दबाएंगे। हमारा भटूरा फूल गया है। अब हम इसे पलट देंगे। हमने भटूरे को दोनों ओर से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। भटूरा दोनों ओर से हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसे निकाल कर नैपकिन पेपर में रख दें। इसी तरह से एक एक करके सारे भटूरे तैयार करके प्लेट में रख दें। याद रहे, अगर भटूरे बनाते वक्त आपको तेल ज़्यादा गर्म लगे तो इसे मीडियम कर दें। हमने सभी भटूरे बनाकर तैयार कर लिए हैं। इतने आटे से हमने 10 से 12 भटूरे बनाकर तैयार किए हैं। हमारे बाजार के स्वाद जैसे फूले फूले और सॉफ्ट भटूरे बनकर तैयार हैं। इस स्वादिष्ट और गर्मा गर्म भटूरों को आप छोले की सब्जी के साथ सर्व करें। इस झटपट से बनने वाले स्वादिष्ट भटूरों को आप घर पर बनाकर जरूर ट्राई करें। आप घर पर ही बाजार जैसा स्वाद पाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नई रेसिपी के साथ।